जी फोन उठाइए प्लीज। बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? इतनी भी क्या जल्दी है यशिका जी, दो चार मीठी मीठी बातें कर लेते हैं पहले। मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। क्या यशिका जी, आपने तो आते ही मूड खराब कर दिया। मुझे लगा आप आएंगी और सॉरी वॉरी बोलेंगी, सफाइयां देंगी मुझे। किस बात की सफाइयां? मुझे धोखा देने की सफाइयां। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैं तुम्हें सफाई दूं? मैं माफी मांगू? नो वे। मैंने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया। तुमने कहा था कि जीते को बाहर मार्केट ले आओ, मैं ले आई, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलते रहता है, उसके बजाय तुमने बंदूक मुझ पे तान दी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी मदद की, उसकी जान बचाई। अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तो हम पॉइंट पे आए। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? लिसन, तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी नहीं है कि मैं उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करूं। गेट टू द पॉइंट। टाइम तो किसी के पास नहीं होता बर्बाद करने के लिए यशिका जी, लेकिन जहां फायदा हो वहां अक्सर लोग बाकी सब कुछ बर्बाद करके टाइम जरूर निकाल लेते हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये दरिंदा और इतनी तमीज से बात करे हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब इसे साफ पता है कि मैंने इसे धोखा दिया। आखिर चल क्या रहा है इसके शातिर दिमाग में? आज ही जस भाभी को हीरजी का सच पता चला है, उन्होंने जर्नैल को सब सच बता दिया होगा। पता नहीं हीरजी कहाँ होंगी, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सच्चे बादशाह, मेहर करना, मेहर करना। चलो, तुम इतना जिद कर रही हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूं। मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। क्या? किस बात की? मुझे बेवकूफ बनाने की मुबारकबाद। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने हीर। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बचवास कर रहे हो? यहां कुछ लिखा है क्या मेरे खोता उलूदा पट्टा, कुछ लिखा है क्या? सब पता चल गया मुझे, इतना बड़ा खेल खेला है तुमने मेरे साथ, मुझे सब पता चल गया है।